बोलो देशपांडे। हेलो सर, श्लोक सर को प्रोविडेंट फंड के पैसे निकाले जाने के बारे में पता लग चुका है। वो मुझसे पूछताछ कर रहे थे लेकिन मैंने उन्हें कह दिया मुझे कुछ नहीं पता, अब वो आपसे पूछेंगे। सारी मुसीबत एक साथ ही आनी, अब क्या होगा देशपांडे? सर वो मेरे कमीशन के पैसे। तुम पागल तो नहीं हो गए हो देशपांडे? किस कमीशन की बात कर रही हो तुम? अगर दोबारा मुझे फोन किया तो धोखाधड़ी के इल्जाम में तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। आई बात समझ में? चलाकी करने की कोशिश की है तो इसका अंजाम इतना बुरा होकर रहा था, इतना बुरा होगा कि तू राधा क्यों राधा क्यों किया तुमने ऐसा? तुम धोखेबाज हो रहा था, तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो और ना ही तुम प्रिंसेस की मां। इतने दिनों तो मेरे परिवार को धोखा दे दिया ही, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम चाहते क्या हो। तुम मेरे भाई की जिंदगी से नहीं खेल सकते। क्यों कर रही है उसके साथ प्यार का नाटक? क्यों उसकी जिंदगी से खेल रही हो? प्लीज मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद अपने यहाँ के हाथ जोड़ता हूँ राधा, प्लीज राधा मेरे भाई को जोड़ दो, मेरे भाई को। क्या जो कुछ मैंने सुना वो सच है? श्लोक, तुमने अभी जो कुछ भी सुना वो बताओ। श्लोक, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं, बताओ ना, अपने मुंह से अपनी सच्चाई बताओ। श्लोक, बताओ कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम डॉक्टर राधा नहीं हो। बताओ श्लोक, तुम प्रिंसेस की मां की मां बताओ राधा, अपने मुंह से अपनी सच्चाई बताओ। श्लोक, बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों? इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे, क्या हासिल किया तुमने ये सब करके? क्या हासिल किया मेरे पूरे परिवार को इस तरह धोखा देकर? बताओ क्यों छुपाई तुमने ये बात? बताओ क्यों छुपाई? क्योंकि मैं मजबूर थी श्लोक,
पता है अशोक, उस प्रोविडेंट फंड के पेपर्स पे भी साइन इसी ने मुझसे करवाए थे और सारे 200 करोड़ रुपए हड़प गई है और फिर भी इसका दिल नहीं भरा। तब ये तुम्हें मारने के फिराक में। मैं पर अशोक को क्यों मारूंगी? अशोक ये झूठ बोल रहा है। अशोक, अशोक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अशोक। श्लोक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और स्वप्निल की पत्नी हूँ और इस परिवार की एक आदर्श बहू हूँ। झूठ पर झूठ, और कितना झूठ बोलोगी राधा? मान गया तुम, तुम्हारे नाटक को एक भाई की पत्नी और दूसरे भाई से प्यार। स्वप्निल तुम ये क्या कह रहे हो? ये सच्चाई। बस श्लोक, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। और सुनने के लिए बाकी क्या रहेगा? ठीक कह रहे हो श्लोक, अभी चल के बाबा को सारी सच्चाई बता देते हैं, पूरे परिवार को बता देते हैं। नहीं दादा, अब भी हम घर वालों को कुछ नहीं बता सकते। बाबा को कुछ ही वक्त पहले हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने सख्त मना किया है, उन्हें किसी भी तरह का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। और जब उन्हें पता लगेगा कि जिस इंसान पर उन्होंने अपनों से बढ़कर विश्वास किया उसी ने उन्हीं के परिवार को धोखा दिया है, वो ये सदमा सहन नहीं कर पाएंगे। श्लोक, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा तो फिर ठीक है, मैं इस घर से और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगी। क्या तुमने सोचा है राधा, अगर तुम चली गई तो हम परिवार को क्या जवाब देंगे? राधा 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 प्लीज, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं राधा, तुम्हारे आगे हाथ भी छोड़ता हूं। मच्छा प्लीज। श्लोक, श्लोक मेरी बात सुनो श्लोक। राधा एक बात बताऊं, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं तुम पर एक किताब लिखूं और उस किताब का नाम होना चाहिए राधा के दर्द भरे चुटकुले। मैं श्लोक को आज तक सच्चा इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि तुम मुझे श्लोक को मार डालने की धमकी देते थे, लेकिन आज श्लोक को सच्चाई पता चल चुकी है कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा स्वप्न जब वो पूरी सच्चाई जानेगा। स्वप्न वो दिन मैं कभी नहीं आने दूंगा, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब तुम्हें 200 करोड़ रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी मेरी असली की धर्म पत्नी बनकर। फिर मैं तुम्हें अपने पैरों की जूती बनाकर रखूंगा। तुम्हारी पत्नी बनने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। नहीं रत्न, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, तब तक जब तक तुम मान ना जाओ तब तक इस परिवार का एक एक सदस्य एक एक करके मरेगा। भी सो शौक बहुत आसान है, अब ये देखते हैं कि तुम मुझसे नफरत ज्यादा करती हो या फिर इस परिवार से प्यार। क्या कहा था मैंने, राधा के दर्द भरे चुटकुले? नॉट अ बैड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि राधा ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। राधा
राधा ये मेरे साथ कैसे कर सकती है? पर राधा ने ये किया है और यही सच है। राधा ने मुझे धोखा दिया है, धोखा दिया है उसने मुझे। नहीं हो तुम मेरी पत्नी और ना ही तुम प्रिंसेस की मां। तुम मेरे भाई की जिंदगी से नहीं खेल सकते। क्यों कर रही हो उसके साथ प्यार का नाटक? कह दो श्लोक कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तुम ऐसा कैसे मान सकते हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, क्यों रो रहे हो आप इतना, क्यों रो रहे हो? इस परिवार का एक एक सदस्य एक एक करके मरे के मरे। प्रिंसेस को मुझे दे दो। तुम आराम से सबको नाश्ता सर्व करो, प्रिंसेस अभी सो करो और अपने पापा के साथ प्रिंसेस अभी खेलेगी, है ना प्रिंसेस? है ना, है ना? मम्मी को नो बोलो, मम्मा को नो बोलो। ये परिवार का एक एक सदस्य एक एक करके मरे के मरे। ये उबल जाएगी। क्या कर रहे हो तुम? कोई बच्चे को ऐसे उछालता है क्या? इसे कुछ हो जाता तो लाल। राधा तुम बेकार में डर रही हो, तो अपनी लपनी बच्ची को गिराएगा थोड़ी। हेलो जी, क्या Thank you.
जी जी मैं आ जाऊंगा, ठीक है, थैंक यू सर। पापा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हो गई। ये सपना तो मैं कब से देख रहा था। बाबा उन लोगों ने मुझे एक हफ्ते की वर्कशॉप के लिए बुलाया और उसके लिए मुझे आज ही निकलना होगा। एलो जी जल्दी से मुंह मीठा करो। अरे पम्मी पहले तुम मुंह। बाबा मैं एक खुशखबरी आई को देख रहा था। बाय बाय दादा, बाय बाय पापा, बाय बाय मम्मी, बाय बाय दादी, बाय बाय चाची, बाय बाय चाचू। बस बहुत हो गया बारिश है, अब जल्दी चलो वरना स्कूल बस मिस हो जाएगी। और सुन छुट्टी के बाद सीधा घर आना, आज पापा दिल्ली जा रहे हैं दोपहर में। दिल्ली? पापा पापा हमें भी दिल्ली ले चलिए ना, मुझे वो अप्पू घर देखना है। बॉबी तुम दिल्ली नहीं जा सकते, तुम्हारे पापा दिल्ली काम से जा रहे हैं और वैसे भी अप्पू घर तो बंद हो गया। लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लेके जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और वहां पता है क्या है, वहां तो बड़े बड़े झूले हैं, बड़े बड़े झूले, और एक झूला तो बहुत ऊपर तक जाता है। वहां से गिरने का भी खतरा है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है बॉबी कि तुम्हें तुम्हें डर लगेगा। नहीं नहीं हम नहीं डरते। अरे बॉबी तुम तो बिल्कुल अपने राधा चाची के जैसे हो, उन्हें भी बिल्कुल डर नहीं लगता झूलों से, है ना दादा? हाँ हाँ ये मजा बाद में लेते रहना, अब जल्दी चलो वरना स्कूल बस मिस हो जाएगी। हाँ चलो चलो चलो। हे भगवान स्वप्निल इन बच्चों के साथ कुछ ना करते, मुझे इन बच्चों को स्वप्निल के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने से रोकना होगा। बच्चों को तो मैं किसी भी तरह रोक दूंगी लेकिन लेकिन ये स्वप्निल इस परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं सब पर एक साथ कैसे नजर रख पाऊंगी, क्या करूं मैं?